नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपको DLED के पाठ्यक्रम 504 एलिमेंट्री प्राथमिक गणित सीखना के आयत चित्र हिस्टोग्राम के बारे में वार्तालाप करूंगा। आयत चित्र, जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में ये सीख चुके होंगे कि आंकड़ों को हम पहले सारणीबद्ध करते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद उन आंकड़ों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ के माध्यम से निरूपण करते हैं ताकि हमको समझने में, उन आंकड़ों को समझने में आसानी हो। इसके लिए हम विभिन्न लेख का, विभिन्न ग्राफ का यूज करेंगे जिसमें से आयत चित्र भी एक ग्राफ है। तो आयत चित्र की परिभाषा, आयत चित्र वर्गीकृत संतत आवृत्ति बंटन का आयतित निरूपण है जिसमें वर्ग अंतराल आधार होते हैं तथा आयतों की ऊंचाई वर्गों की आवृत्ति के अनुसार होती है। इसमें वर्ग अंतराल को उचित पैमाना लेकर एक्स अक्ष पर तथा आवृत्ति को उचित पैमाना लेकर वाई अक्ष पर अंकित किया जाता है। इसमें तीन केसेस हैं। पहला केस है कि जब आवृत्ति बंटन वर्गीकृत एवं सतत हो तथा वर्गांतर भी समान हो। इस स्थिति में आवृत्ति बंटन वर्गीकृत होता है तथा वर्गांतर भी समान होता है। अतः सुविधानुसार एक्स अक्ष पर वर्गांतर का पैमाना लेकर तथा वाई अक्ष पर आवृत्ति बंटन का पैमाना लेकर आयत चित्र बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वर्गांतर और आवृत्ति बंटन हेतु समान पैमाना लिया जाए। आयत चित्र की सहायता से एक उदाहरण है। आयत चित्र की सहायता से निम्न को दर्शाइए। इस उदाहरण में हमने दो रोज लिया है। पहले रो में वर्ग और दूसरे रो में संख्या। वर्ग में जो है हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब हर वर्ग में उनकी संख्या क्या है? जैसे 10 से 20 में संख्या 7 है, 20 से 30 में आपकी संख्या 11 है, 30 से 40 में आपकी संख्या 9 है, 40 से 50 में आपकी 13 है, 50 से 60 में आपकी संख्या 16 है, 60 से 70 में आपकी संख्या 4 है और 70 से 80 में आपकी संख्या ये 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले केस में हमारा वर्ग जो है सतत है, लगातार है, कहीं भी आपका गैप नहीं है और हर वर्ग का चौड़ाई जो है सब समान है। ये पहला केस है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम जो है अपने दोनों एक्सिस को खींचते हैं, इसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष पर हम वर्ग को रखते हैं, एक्स अक्ष को हम वर्ग पे रखते हैं और वाई अक्ष पर जो है हम संख्या को रखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको एक्स अक्ष को और वाई अक्ष पे जो भी आप मद रख रहे हैं, वर्ग रख रहे हैं, संख्या रख रहे हैं, उनका जो है उचित पैमाना आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप उचित पैमाना लेंगे तो यहाँ पे चूंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं इसको हम ओरिजिन जीरो से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे जो है हम 10, ये 20, 30, 40, 50, इसी प्रकार आप आगे 60,
और ये 70 और ये हमारा एक्स अक्ष। ग्राफ के दोनों अक्षों की लेबलिंग हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना लेबलिंग के जो है आप नहीं दिखा पाएंगे कि किस अक्ष पे क्या है, तो आपको लेवल ज़रूर करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। फिर ये वर्ग को हमने जो है एक्स अक्ष पर दिखा दिया और वाई अक्ष पे जो है हम जो है संख्या को दिखाएंगे। तो संख्या के लिए हमने जो है ये 0 है, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20 है। इस प्रकार हम संख्या को वाई अक्ष पे और वर्ग को एक्स अक्ष पे दिखा दिया। हमने आप पैमाना कोई भी ले सकते हैं, हमने जैसा कि बताया कि एक्स अक्ष पे अलग पैमाना ले सकते हैं और वाई अक्ष पे आप दूसरा पैमाना ले सकते हैं। एक्स अक्ष के लिए जो है आप हमने लिया 1 सेंटीमीटर = 10, जो हमने ये लिया ये 1-1 सेंटीमीटर को हमने 10 के बराबर लिया, जबकि वाई अक्ष पे जो है 0.5 सेंटीमीटर को हमने 1 लिया। तो दोनों अक्षों पे समान भी ले सकते हैं और अलग अलग भी पैमाना हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 10 से 20 वर्ग में हमारी संख्या कितनी है, और 10 से 20 में हमारी संख्या 7 है, जो कि लगभग यहाँ पे आएगी, और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारी संख्या और इसके ऊपर हम वो संख्या लिख देते हैं 7, जिससे हमको ये पता लग जाए कि ये जो है इसकी संख्या जो है इस वर्ग की संख्या 7 है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला कि 20 से 30 में वो संख्या 11 है। तो 20 से 30 में वो संख्या 11 है, इसका मतलब यहाँ और हम लगभग जो है और इसके ऊपर हम लिख देंगे 11। ये हर जो बात जो आपको आयत बन रहे हैं ये रेक्टेंगल की चौड़ाई सबकी समान होगी। 30 से 40 में इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये संख्या हमारी 9 है। इसी प्रकार 40 से 50 में हमारी संख्या जो है 13 है। पचास से 60 में हमारी संख्या 16 है। 60-70 में हमारी संख्या जो है 4 है। और 70-80 में जो हमारी संख्या है वो 2 है। ये फिर इसको आप छायांकित या इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, या तो छायांकित करिए या तो बिना छायांकित किए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यह हमारा जो है पहले केस में आयत चित्र इस प्रकार से बनेगा इस उदाहरण के लिए। दूसरा केस जो है हमारे पास कि जब आवृत्ति बंटन वर्गीकृत हो परंतु सतत न हो, यानी कि दो वर्गों के बीच जो है कुछ गैप्स आ जाएं, उसको हम बोलते हैं कि हमारे जो वर्ग हैं वो सतत नहीं है। तो हम बिना सतत बनाए आयत चित्र नहीं बना सकते। तो इसके लिए इस तरह के प्रश्न में आवृत्ति बंटन को सतत बनाकर नए वर्ग बनाए जाते हैं, फिर आयत चित्र बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक निम्न आवृत्ति बंटन का आयत चित्र बनाइए। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो कि हमारा जो सारणी है वो जो है सतत नहीं है, उसके वर्ग में जो है गैप है। तो इसमें भी हमने 2 बनाया वर्ग और उसकी आवृत्ति। वर्ग जो हमारे बने 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59, ये हमारे पास वर्ग हैं और इनकी आवृत्ति जो है 2, 3, 5, 7 और 3 है।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वर्गों के बीच में जो है हमारे गैप्स हैं, जैसे 10 से 19 और यहाँ 20 से 29, तो 19 से 20 यहाँ पे ये गैप है, फिर यहाँ पे 20 से 29 और 30 से 39, यहाँ भी 29 से 30 के बीच में गैप है, फिर 30 से 39 और 40 से 49 में 39 से 40 के बीच में गैप है, और इसी प्रकार 40 से 49 और 50 से 59 में भी 49 से 50 के बीच में गैप है। तो ये हमारा जो वर्ग है वो सतत नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सर्वप्रथम हम सतत बनाएंगे। सतत बनाने के लिए क्या विधि है हमारे पास कि इनके बीच का जो गैप्स है, इनके बीच का गैप, जैसे इनके बीच का अंतर है 20-19 या 30-29 या 50-49, किसी एक को भी ले सकते हैं, ये गैप्स हो गए, ये इनकी संख्या एक है और उसको हम बाई टू से डिवाइड कर देंगे, उन गैप्स को हाफ एच बाई टू, जो एच है हमारा वो इनके बीच का गैप्स है, एच को हम बोलते हैं कि इनके बीच का गैप, और हम एच बाई टू को जो है इसकी निम्न सीमा से घटाते हैं और उच्च सीमा में हम जोड़ देंगे, यानी जो गैप हमारा है गैप को एच बाई टू करके निम्न सीमा जो है हमारी वर्ग की, हर वर्ग की निम्न वर्ग, निम्न सीमा में, वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 यानी एच बाई टू जो है यहाँ के लिए 0.5 है घटा देंगे, और उच्च सीमा में हम एच बाई टू को जोड़ देंगे, चूंकि इस उदाहरण में हमारा एच जो है 1 है और एच बाई टू 1/2 यानी 0.5 है, तो हम हर वर्ग के निम्न सीमा से 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। इस विधि को अपनाने से जो हमारा वर्ग असतत है वो सतत हो जाएगा। सतत बनाने के बाद हम फिर आयत चित्र को बनाएंगे जैसा हमने पिछले उदाहरण में देखा था। तो इस विधि को जब अपनाए तो हमारा जो वर्ग और ये हमारी आवृत्ति, वर्ग हमारा अब इसमें से घटाए हम तो ये 9.5 से 19.5, हमने क्या किया वर्ग के निम्न सीमा से 0.5 घटा दिया और उच्च सीमा में 0.5 हमने जोड़ दिया। आवृत्ति दो की दो ही रहेगी, इसमें हमने किया तो 19.5 19.5 से 29.5 आवृत्ति इसकी 3, इसके बाद हमारा हो गया 29.5 से 39.5 इसकी आवृत्ति 5, इसके बाद हमारा 39.5 से 49.5 और उसकी आवृत्ति हो गई 7, और उसके बाद 49.5 से 59.5 और इसकी आवृत्ति हो गई 3। अब हम देखते हैं कि जो हमने विधि बताई असतत को सतत बनाने के लिए, अब हमारा वर्ग असतत से सतत हो गया। अब सतत होने के बाद फिर हम जो पिछले उदाहरण की तरह जैसा हमने किया था, हम फिर जो है अपना आयत चित्र इससे बना लेंगे। उसके लिए फिर हमने बताया कि पहला स्टेप हमारा है कि अपने एक्सिस को बनाएंगे। अपने एक्सिस को बनाने के लिए हमने बताया कि आप एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बना लिए। एक्स अक्ष हमने बताया कि दोनों अक्षों की लेबलिंग करनी जरूरी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हमारा एक्स अक्ष वर्ग को बताता है और वाई अक्ष जो हमारा है आवृत्ति की बताता है। फिर दूसरा काम जो है हम करेंगे, तीसरा काम, पहला काम हमने एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लिया, दूसरा काम हमने दोनों अक्षों की लेबलिंग कर दी, तीसरा काम जो है हम उचित पैमाना लेकर एक्स अक्ष को और वाई अक्ष पे अपने वर्ग और आवृत्ति को दिखाएंगे। तो हमने उचित पैमाना लेके ये 0, ये 5 और ये 10, ये हमने जो है वाई अक्ष का पैमाना चूज किया, और एक्स अक्ष के लिए जो हमने चूज किया ये हो गया 9.5, ये हो गया 19.5,
ये हो गया 29.5, 29.5, ये हो गया 39.5, ये हो गया 49.5 और ये हो गया आपका 59.5। इसके लिए हमने जो है एक्स अक्ष पर पैमाना लिया, आप लोग ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 10 और एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर = 1, इस तरीके का पैमाना लेके आप यूज कर सकते हैं। अब हम जो है इस पे देखेंगे कि 9.5 से 19.5 वाले वर्ग की आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति जो है 2 है, तो हम जनरली यहाँ पे ऐसे 2 बना देंगे और यहाँ ऊपर में लिख देंगे जिससे पता चल जाए कि इसकी ऊंचाई जो है 2 है। फिर 19.5 से 29.5 में हमारी जो है आवृत्ति 3 है, 3 के लिए हमने यहाँ ऐसे बना दिया, ये 3 है। हमने एक बार पहले भी बताया कि हर आयत की चौड़ाई सेम होगी, 29.5 से 39.5 वाले में इसकी जो है आवृत्ति 5 है, 39.5 से 49 वाले में इसकी आवृत्ति 7 है और 49.5 से 59.5 में उसकी आवृत्ति फिर जो है 3 है। तो इस प्रकार हम देखें कि दूसरा वाला केस जो हमारा असतत था उसको सतत बना के हमने कैसे आयत चित्र को खींचा। अब जो है हमारे पास तीसरा केस है, जब आवृत्ति अवर्गीकृत हो और बंटन के मध्य बिंदु दिए हुए हों। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको सारणी में मध्य बिंदु, मध्यांक और उसकी संख्या दी रहेगी। इस तरह के प्रश्न के मध्यमान में जो सूत्र है x-h/2 तथा x+h/2 के द्वारा वर्ग में बदल लेते हैं, तब पूर्व में दर्शाई विधि द्वारा आयत चित्र बना लेते हैं। यहाँ यच दो क्रमागत मध्यमानों में अंतर है, इसको हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में हमने प्राप्त अंक और छात्र संख्या को लिया है, एक सारणी हमारे पास है जिसमें प्राप्त अंक और उस अंक को कितने छात्रों ने पाया है ये हमारे पास उसकी संख्या है। तो एक साला के कक्षा 9वीं के 70 विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं, इसका आयत चित्र बनाइए। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये प्राप्तांक है और इसमें छात्र की संख्या कितने छात्र हैं, तो प्राप्तांक जो है हमारे पास 150, 160, 170, 180, 190 और 200, ये हमारे प्राप्तांक हैं और इनको कुल जो छात्रों ने पाया है 150 को 6, 160 को 8 लोगों ने पाया है, 170 को 12 लोगों ने पाया है और 180 को 21 लोगों ने पाया है और 190 को 13 और 200 को जो है आपके 10 लोगों ने पाया है। इनका टोटल सम जो है ये 70 छात्रों का है, जैसा कि हमने उदाहरण में बताया था। अब चूंकि ये प्राप्तांक जो है वर्ग में नहीं है, तो वर्ग में नहीं है तो हमने बताया हमारे पास विधि है कि इस प्राप्तांक को हम वर्ग में बदल लेंगे। उसके लिए जो है हमने बताया कि आप जो वर्गों का अंतर, ये जो मध्यमान का अंतर है, ये जो दो मध्यमान दिए हैं इनका अंतर, जैसे आप देखेंगे कि इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का भी अंतर जो है 10, किसी भी दो मध्यमान को लेंगे उसका अंतर जो है आपका 10 है, किसी दो लगातार मध्यमान को आप लेंगे तो उनका जो है अंतर 10 है। तो हमने कहा कि जो अंतराल है x-h/2 और x+h/2, जहाँ पे जो h है उन दो मध्यमानों के बीच का अंतर है और जो x है वो प्राप्तांक है या वो मध्यमान है। तो अगर हम 150 को लें तो 150-10/2 और 150+10/2, ये हो गया हमारा 150-5 और 150+5+5, इसमें हो गया 145 और ये हो गया हमारा 155, जो कि हमारा 150 जो है इस वर्ग में जो है चेंज हो गया, बदल गया,
इसी प्रकार हम 160 को ले लेंगे, 170 का ले लेंगे, 180 का ले लेंगे, 190 को ले लेंगे और 200 को ले लेंगे। अब जैसे एक उदाहरण और इसमें दिखा देते हैं आपको, जैसे 180 आपने लिया तो ये हमारा x जो है 180 के बराबर हो गया। फिर इसी में x माइनस एच बाई टू और x प्लस एच बाई टू, ये x माइनस एच बाई टू इस प्राप्तांक के लिए इसकी निम्न सीमा हो गई और इसी प्राप्तांक के लिए x प्लस एच बाई टू जो है आपका ये उच्च सीमा हो गई। तो इसमें फिर हमने 180, चूंकि हर जगह का अंतराल 10 है, वर्ग का अंतर 10 है, मध्यमान के बीच का अंतर 10 है, तो हम 180 माइनस 10 बटे 2 और 180 धन 10 बटे 2, ये हमारा हो गया 180 माइनस 5 और 180 प्लस 5, ये हमारा हो गया 175 यानी 175 और ये हो गया हमारा 185 यानी 180 वाले जो प्राप्तांक है, जो हमारा मध्यमान था, वो वर्ग में टूट के 175 से 185 में चेंज हो गया। अब हम जो है अपने इस उदाहरण को, इस सारणी को वर्ग में चेंज कर लेंगे। तो जब हम वर्ग में चेंज करेंगे तो हमारा ये वर्ग इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा प्राप्तांक और ये हमारे छात्र, 155 जो है हमारा 145 से 155, जिसकी संख्या 6, फिर 155 से 165, 160 वाला ये हमारा जो मध्यमान था, प्राप्तांक था, ये इसमें चेंज हो गया और इसकी संख्या हमारे पास है 8, फिर 165 से 175, ये 170 प्राप्तांक को हमने बदल दिया जिसकी संख्या है 12, फिर 175 से 185, ये 180 वाले का है प्राप्तांक का, जिसकी संख्या है 21, और फिर जो है हमारा 190, 185 से 195, ये 190 वाला पार्ट हमारा टूट गया इसमें वर्ग में, जिसकी संख्या 13 है, और उसके बाद आखिरी वाला हमारा 200 जो है वो 195 से 205 और इसकी संख्या हमारे पास 10 है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राप्तांक था हमारा, वो प्राप्तांक को हमने जो है वर्ग में चेंज कर लिया, और वर्ग में बदलने के बाद अब हम इसका फिर पूर्व के अनुसार जो पिछले दो उदाहरणों में हमने किया उसी प्रकार इसका जो है हम आयत चित्र बना लेंगे। उसके लिए फिर हम जो है पहला स्टेप फिर हमने बताया कि एक्स एक्सिस आपको खींचनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचिए, पहला काम। दूसरा काम है आपका कि दोनों अक्षों की लेबलिंग करिए कि आपका एक तरफ जो है प्राप्तांक रहेगा और दूसरी तरफ जो है आपकी आवृत्ति रहेगी। उसके बाद जो है एक्स अक्ष पे जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई और वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई को लीजिए। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष को हमने लेबल कर दिया प्राप्तांक से, वाई अक्ष को हमने कर दिया छात्रों की संख्या से, फिर आप एक उचित पैमाना लेके इस पे छात्रों की संख्या और प्राप्तांक को दिखा सकते हैं। तो जैसा कि इसमें 145, चूंकि यहाँ पे हम लोग एक इस प्रकार का एक चिन्ह सिंबल बनाते हैं, इस सिंबल का ये मतलब है कि ये दूरी, जैसे हमने कहा कि ये 145 है, फिर ये 155 है, ये 165 है, इस प्रकार से हम करते हैं। ये दूरी, ये निशान ये बताता है कि लगभग ये दूरी एग्जैक्टली तो 0 से 145 नहीं है, लेकिन हमने इसको मान लिया है कि ये 145 है, तो इस चिन्ह का हम जो है यूज करते हैं। 165 हो गया आपका। इसी प्रकार हम जो है 175, 185, 195 और 205, यहाँ तक हम जो है जाएंगे। 185, 195 और यहाँ पे 205, ये हमारा जो है x अक्ष है और जिस पे हम प्राप्तांक को दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी के अनुसार इस y एक्सिस को भी लेबल कर देते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये जो है 25 है। उसके बाद हम देखेंगे कि 145 से 155 में जो है हमारी संख्या 6 है,
तो 6 का मतलब है कि हम यहाँ पे चले आए। यहाँ पे हर आयत के ऊपर ये लिख देने से हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। पहले लोग इसी को ऐसे दिखाते थे, यहाँ पे करके 6 दिखाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज होके यहाँ पे लिख देने से सुविधा होती है। दूसरा है 155 से 165, इसमें आपकी आवृत्ति 8 है। और 165 से 175 में आपका जो है 12 है। तो 12 में जब आप जाएंगे तो ये है, 175 से 185 में जो आपका है वो 21 है, तो आप 21 यहां पे चले गए, यहां पे लिख दीजिए 21 है। यहां पे जैसे है 8 है, ये 12 है आपका। 185 से 195 में जो है 13 है, 13 लगभग यहां आपका आएगा। और इसके बाद जो 195 से 205 में जो है 10 है, तो 10 का मतलब है ये यहां आ गया। तो इस प्रकार हमने जो है आयत चित्र इस तीसरे केस का भी बना लिया। तो इस कक्षा में हमने देखा आयत चित्र के बारे में परिभाषा सीखी और उसके 3 केसेस के बारे में हमने वार्तालाप किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आयत चित्र खींचना आ गया होगा। धन्यवाद।